नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीके न्यूज़। मैं हूं पेपर बहुत डायरेक्टर एंड ब्यूरो चीफ हरियाणा। साथियों, जैसा कि हम आपको मेवात की एक एक गतिविधियों से अवगत कराते रहते हैं, अभी हाल ही में जो मरोड़ा में सीएनजी पंप की ओपनिंग हुई, उसी के साथ नो फिलिंग स्टेशन पर अलवर वाले रोड पर नो फिलिंग स्टेशन पर सीएनजी की दोबारा से अडानी ग्रुप की शुरुआत हो चुकी है। मैं अपने साथी चाहूँगा एक बार दिखाएंगे किस प्रकार से वन वे लाइन लगी हुई है, ये पीछे तक दिखाएंगे। मेवात के साथियों को, कस्टमर्स को, ग्राहकों को यहाँ एक रिलीफ मिला है और सीएनजी के वाहनों की यहाँ पर और तादाद बढ़ी है। आज हम जानना चाहेंगे यहाँ पर जो मैनेजर है वो भाई दिनेश शर्मा जी हैं। तो दिनेश जिला से हैं, आज दिनेश जी हम जानना चाहेंगे, और मालिक है अंकित शर्मा और निखिल शर्मा। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि अभी कितनी सीएनजी की प्रोवाइड हो रही है अडानी की तरफ से। दिनेश जी कैसे भाई? तो बीच में आपका ये सीएनजी का प्रोजेक्ट क्लोज सा हो गया था, क्या रीजन था? रीजन कुछ नहीं था, वो पीछे से अडानी से सप्लाई कम मिलती थी। अच्छा, जिस कारण हमने वो बंद कर दिया। तो कम सप्लाई की वजह से यहाँ लोगों में पूर्ति हो नहीं पा रही थी, इस वजह से बंद कर दी। आप जानते हो कम सप्लाई भीड़ रहती है जी, इस वजह से वो बंद कर दी। हमको पूरी सप्लाई दो, जब तक पूरी सप्लाई नहीं मिलेगी हम नहीं चलाएंगे। अब वो पूरी सप्लाई मिल रही है और इससे 10-5 दिन में और इससे ज्यादा बेहतर सप्लाई मिल जाएगी। ऐसा अडानी ग्रुप ने वादा किया जी। तो अभी कितने तारीख से शुरुआत हुआ दोबारा? ये सर 21-22 तारीख से हुआ। 21-22 से तो कितनी गाड़ी आ रही है लगभग? अभी फिलहाल 3-4 और 5-6 गाड़ी आ रही है वही जी, और आगे ही पंप चल रहा है। हाँ हाँ। इससे काफी फर्क पड़ गया उससे। उससे भी काफी रेंज मिला है। तो दो तीन गाड़ी निकल जाती है, मतलब अब कस्टमर्स को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती, क्योंकि दो दो सीएनजी पंप यहाँ पर इसी रोड पर हो चुके हैं। तो आने वाले समय में आप सरकार से या अडानी ग्रुप से क्या अपेक्षा रखते हैं? तो रेवाड़ी धारवेड़ा है वो बिल्कुल ऑनलाइन है, हाईवे हाईवे पे जो जा रही है वहाँ ऑनलाइन है। तो देखिए, भाई ने बताया कि कस्टमर से की जो अब फीडबैक मिल रही है वो बहुत ही अच्छे ढंग से मिल रही है, और सीएनजी मिलने से यहाँ कस्टमर्स को बहुत ज्यादा सुविधा मिली है। बढ़ते कदम सच्चाई कलम, क्योंकि देश का सच दिखाते हम प्रेम कुमार बहुत हरियाणा।